राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। तो आज हमारी सोसाइटी में ना कश्मीरी शॉल होते हैं जिनके पास, वो आए हैं। और जो भेड़ की ऊन होती है ना, तो कह रहे हैं कि उस ऊन की बनाई हुई शॉल है, स्वेटर है और दुपट्टे यानी कि स्टॉल है और सूट है। तो सूट तो काफ़ी गर्म थे, शॉल भी काफ़ी गर्म थी। आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कौन सा लिया, क्या लिया, कैसा लिया, सभी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देख, सारे जितने डिज़ाइन हैं वो हैंडलुक की बता रहे हैं, उन देख के तो काफी अच्छे लग रहे थे। आज शॉपिंग गेट में ही हो जाएगी। स्टॉल जी, स्टॉल जी, कौन है मैं जा रही थी बच्चों के लिए शूज लेने के लिए मार्केट, और बाहर निकलते समय हमारी गेट के सामने बैठे थे, मतलब गेट के अंदर ही, तो यहाँ पर देखने लग गई थी मैं सोल, और एक भाभी और देख रही थी तो मैं भी देखने लग गई, और आंटी सूट लेके चली गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर ये शॉल दिखा रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं मुझे शॉल, गर्म थे, बहुत गर्म थे शॉल। शायद ये सुबह से बैठे रहे होंगे और मुझे पता चला 5 बजे के करीब। तो ये देखिए एक शॉल ये भी है, ये भी बहुत गर्म था, गर्म होते हैं इनके पास शॉल। गर्म होगा ना, 5 मिनट के देख लो, मैं बताऊंगा, वो आप पहन के देखो, ये देखो सोने का सिक्का। ये कितने का है? और दूसरा कलर इसके दो कलर निकाल दिए हैं, इसके दो कलर, तीन कलर है। ये दिखा दो। इन भैया के पास ना पश्मीना शॉल भी थी, पश्मीना शॉल आप लोगों को पता होगा गर्म होती है, प्योर होती है। और ये जो है ना रेड कलर का, ये शॉल नहीं है, ये स्टॉल है जो कि किसी भी सूट के साथ हम डाल सकते हैं और हल्का भी है, तो ये स्टॉल बहुत अच्छे होते हैं। और गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म था और लग रहा था देखने में बहुत अच्छा। तो ये देखिए ये मुझे ना रेड कलर पता नहीं क्यों काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, रेड कलर मुझे बहुत पसंद है। दूसरा क्वालिटी है, दूसरा वरायटी है, जामुन उनके देख लो कितना सुंदर है बहन, इधर इधर मैं आपको आपको पता चलेगा। तो मैंने तो जितना प्राइस बोला था भैया को, उस प्राइस को बोल के मैं छोड़ के चली गई थी और हस्बैंड जी आ गए थे बाद में, उन्होंने ले लिए थे स्टॉल भी और शॉल भी। उसके बाद में बच्चों के शूज लेने चली गई थी मॉल में, और मॉल में ना एक बहुत अच्छी दुकान है, बिना ब्रांड की है, नॉन ब्रांड है, तो वहाँ पर शूज बहुत अच्छे मिल जाते हैं छोटे बच्चों के। तो मैं बच्चों के लिए शूज खरीदने के लिए चली गई थी, हालांकि मुझे नहीं मिले शूज। फिर उसके बाद हम आ गए थे स्टेन मैक्स में भी देखे, और उसके बाद हम 99 स्टोर में चले गए थे कुछ घर की चीज़ें लेनी थी, और वहां से यहां पर 99 के स्टोर में ना सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सस्ती मिलती है, जैसे
मतलब अच्छे प्राइस पे मिल जाती है, महंगी नहीं होती है। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे कप भी थे अच्छे से, बहुत अच्छे, और ये डिब्बे थे, और मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाई है कि अगर आपके आसपास कहीं 99 स्टोर है तो आप जा सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा रिजनेबल प्राइस पे अच्छी चीज़ें मिल जाती है, मतलब ना तो ज़्यादा हाई फाई और ना ज़्यादा। तो ये देखिए, इसका प्राइस था 150 रुपये, और ये सब चीज़ें पता नहीं बाबू क्या क्या दिखा रही है आप लोगों को। तो 159 का मतलब इस जगह पे जो भी चीज़ें हैं वो सब हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें, यूनिक सी चीज़ें मिल जाती हैं आप लोगों को 99 के स्टोर में, है ना। तो ये देखिए, और ये दिखा रही है मेरे को, तो ये 199 का था, 200 रुपये का, बहुत अच्छा था ये। लेकिन इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होगा, मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, और यूनिक सी चीज़ें भी मिलती है 99 के स्टोर में, मुझे अच्छा लगता है 99 का स्टोर, छोटी मोटी चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें होती है यहाँ पर। ये देखिए, तो जैसे वी मार्ट हो गया, 99 का स्टोर हो गया, छोटे मोटे जो स्टोर होते हैं ना, यहाँ पर यूनिक चीज़ें होती हैं और अच्छी चीज़ें होती हैं, यूज़फुल चीज़ें होती हैं। तो मुझे लेनी थी एक छन्नी, और क्या क्या लेना था मुझे, एक छन्नी लेनी थी, हाँ एक कांच की बोतल लेनी थी। तो कांच की बोतल घी रखने के लिए लेनी थी मुझे, वो तो मिली नहीं। और ये देखिए, जैसे ये सब तवा वगैरह सब मिल जाते हैं यहाँ पर, हैंड ग्राइंडर जो होता है, चकला बेलन होता है, पाव भाजी मेशर होता है, और ये जो जिसमें अदरक कूटने का होता है वो मिल जाता है यहाँ पर, छोटे मोटे और भी होम डेकोरेट के पीसेस भी मिल जाते हैं आप लोगों को, और प्राइस सबके लिखे होते हैं। तो 99 का स्टोर मुझे अच्छा लगता है, वहाँ पर चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। जैसे और मॉल के अंदर और हाई फाई दुकानें होती है ना, तो उनमें तो हम ज़्यादातर जाते भी नहीं है। तो ये देखिए, और ये पाव भाजी मेशर था 100 रुपये का, और ऐसा भी था एक टाइप का, और हैंड ग्राइंडर, और देखिए काना ने अपनी टॉफ़ी पकड़ ली है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें ना, जैसे मैंने कहा ना कि यूनिक यूनिक चीज़ें, कप रखने के स्टैंड, और दीवार पे टाइलों पे चिपकाने के जो स्टिकर होते हैं उनमें कुछ भी चीज़ें टांग लो वो अच्छे से वो हो जाते हैं। ये एप्पल काटने का है, एप्पल बहुत अच्छे से कट जाता है एक ही बार में, सेकंड में। और मुझे ऑयल रखने का एक बोतल चाहिए था, तो वो तो नहीं लिया मैंने। यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ घी दानी नहीं, मतलब कांच का पूरा जार ढूंढ रही हूँ मैं, लेकिन बहुत छोटा था कांच का जार, तो मैंने नहीं लिया। और छन्नी मैंने ले ली है, एक बोतल मैंने ले ली है, तो बोतल यहाँ पे मुझे प्लास्टिक की नहीं चाहिए थी, लेकिन प्लास्टिक की बोतलें भी अच्छी होती हैं। तो हम 99 के स्टोर से बाहर आ गए हैं, और अभी चलते हैं बैगिट के शोरूम में, वहाँ पर मुझे देखना है अपने लिए पर्स। तो 99 के स्टोर से मैंने छन्नी ली और एक बोतल ली कांच की, छोटी सी प्यारी सी, सुबह सुबह पानी रखूंगी मैं उसमें पीने का, जो जीरे का पानी मैं बनाती हूँ अपने लिए। और फिर थोड़ा सा हम आगे की तरफ चले, मैंने सोचा कि एक पर्स देखूँ मैं अपने लिए, शोल्डर वाला। तो यहाँ पर लिवाइज का शोरूम है, और बैगिट के शोरूम में भी देखा था मैंने, तो ये लिवाइज़ के पर्स ना अच्छे होते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं, और काफ़ी स्पेस होता है, जगह होती है। नहीं, शायद स्टेन मैक्स में है, मैं यहाँ पे बाबू ने कप पकड़ा हुआ है, कप दिखा रही हूँ अपना छोटा सा, ये देखिए कॉफ़ी पीने का, चाय पीने का, तो बस ऐसे ही कम रहते हैं इसके। ये देखिए कितने प्यारे कप है ना, अच्छे लग रहे कप। तो अभी हम ऊपर चले गए हैं, शायद स्टेन मैक्स में थे हम नीचे, अब जाएंगे लिवाइज के शोरूम में। ये पहुंच गई हूँ मैं लिवाइज के शोरूम में, यहाँ पर पर्स बहुत अच्छे होते हैं, और ज़्यादातर मैं इन्हीं के पर्स लेती हूँ। बैगिट का पर्स मैंने फर्स्ट बार लिया था अपने लिए छोटा, वो बहुत अच्छा निकला, और अभी भी उसको चला रही हूँ मैं। क्या होता है ना कि पर्स अजीब सा खुरदरा टाइप का नहीं होता इनका, और अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तुम क्या कर रहे हो? हाय एवरीबॉडी,
लिवाइज में देखने के बाद मैं आ गई हूँ बगल वाले ही शोरूम में। ये बैगेड का है तो वहाँ पे मुझे खास पसंद नहीं आया था, तो मैं फिर वापस लिवाइज में ही आ गई थी और वहाँ से मैंने अपने लिए एक खूबसूरत सा शोल्डर वाला पर्स ले लिया था और हस्बैंड जी ने दिए थे पैसे, क्योंकि अपनी जेब से इतने अच्छे ढंग से नहीं निकलते हैं, क्योंकि सोचना पड़ता है एक बार के लिए। और जब हस्बैंड बोल देना कि चल ले आना अपने लिए पर्स ले लेना, क्योंकि अब इधर उधर जाने का मौका आ गया है, तो मुझे शोल्डर वाला ही चाहिए था। वो जो छोटे छोटे मैं लेकर जाती हूँ ना कंधे में टांगने वाले, ऐसे टांगने वाले हैंड पर्स, वो छोटे पड़ जाते हैं, और सफ़र में तो ये बड़े कंधे वाले ही, मतलब शोल्डर वाले ही अच्छे लगते हैं। तो ले लिया है हमने पर्स और आ गए हैं हम बाहर सफ़र के लिए। ना ये छोटे वाले जो ये टांगने वाले होते हैं ना, वो सही नहीं रहते हैं, क्योंकि जब कहीं इधर उधर जाते हैं हम तो उसमें थोड़ा सा और सामान भी आ जाता है, तो अच्छा लगता है। गाइज मैंने अपने लिए ना शोल्डर वाला बैग लिया है, अच्छा लग रहा था, और लवी का है ये देखिए। बैग इट में ना मुझे पसंद नहीं आया, बैग इट में मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने लवी का ले लिया। और बैग इट का ये भी है, लेकिन ये कलर नहीं था वहाँ पे, शोल्डर वाला वैसे थे, मतलब अच्छे। मैं बैग लवी के ही लेती हूँ हमेशा, बैग इट में ऑप्शन भी नहीं थे, बैग इट में ऑप्शन नहीं थे। तो शूज़ तो नहीं मिले दोनों बच्चों के, और किसी में साइज़ था कोई अच्छा नहीं लग रहा था, बस ऐसे ही मतलब पसंद आया ही नहीं। तो आ गए थे हम फिर उसके बाद घर की तरफ, और बस यहीं तक थी आज की वीडियो। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, और शॉल जो ली है, स्टॉल जो लिया है, पर्स लिया है जो, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आपको। तो चलिए इस वीडियो का मैं एंड कर